꾸준했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने वेजिटेबल्स जो है मेरे छोटे से फ्रिज में मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ सो दैट कि वो जो है हफ्ते भर से ज़्यादा जो है आराम से वो चले और ख़राब ना हो। पर उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जो मैंने लास्ट के कुछ वीडियोज़ में मैंने बताए थे गर्मी में समर के टाइम पर कि हमारे घर में सब ख़राब है, उनमें से एसी भी ख़राब था। तो अभी जो है फाइनली हमने जो है एसी के सर्विस सेंटर से जो है उनके सर्विस मैन को अपने बुला लिया, टेक्नीशियन को। तो यहाँ पे वही लोग आए हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क वगैरह कर रहे हैं। और इन लोगों ने ना एक नई चीज़ बताई है जो कि काफ़ी जो है बेनिफिशियल है। अगर आप लोग को भी, जैसे हमें तो कल ही पता चला, कल ही आया था टेक्नीशियन, आज आने वाला है, पता चला है कि गैस जो है वो लीक हो गया है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। तो इसमें जो है ये लोग 1 ईयर का एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस ये लोग लेते हैं जिसमें 710 रुपीज़ जो है हमें पे करना होता है एवरी ईयर, और आपका जो है इंश्योरेंस वो रिन्यू होते रहता है। सिर्फ जो अपर बॉडी के जितने भी डैमेज अगर कुछ होता है तो वो इस इंश्योरेंस के अंदर जो है वो नहीं आएगा। अदरवाइज़ कोई भी पार्ट्स अगर वो डैमेज होता है, ख़राब होता है या फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है तो वो सब जो है कंपनी कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कब इसमें आपको जो टेक्नीशियन जो विज़िट करता है वो चार्जेस भी जो है आपको पे नहीं करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सिर्फ हर ईयर जो है 710 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये ऑफ़र जो था, ये जो स्कीम था, ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे हस्बैंड को दोनों को बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग जो ये स्कीम ले ही रहे हैं जिसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है। कुछ नहीं, ये लोग बस जो है एसी का जो कुछ नंबर होता है इनका बार कोड का वो लेके गए थे, और हम लोग का फ़ोन नंबर और एड्रेस और कस्टमर नेम बस यही था, और यही डिटेल्स लेके गए थे। और जब भी जो सर्विसिंग साल की दो सर्विस, जैसे नया फर्स्ट टाइम जैसे एसी ख़रीदने से साल की दो सर्विस फ्री रहती है, इसमें भी मुझे वही मिलेगा। प्लस इसके अलावा जैसे अभी जैसे मुझे जैसे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो मुझे क्या अभी ये विजिटिंग चार्ज भी मुझे इनको देना पड़ेगा जीएसटी के साथ, और साथ में जो जो भी पार्ट्स ख़राब होगा रिप्लेस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जो भी अगर मरम्मत के लिए जो भी टेक्नीशियन जो भी चार्ज करेंगे ठीक करेंगे रिपेयर करेंगे उसका जो चार्ज रहेगा वो भी हमें पे करना पड़ेगा। पर ये AMC करा लेने से हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये अच्छा स्कीम था, तो ये हमने कर लिया। और आज जो है जितने भी वेजिटेबल्स मेरे फ्रिज में थे सब मैं बस लाती जा रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग बस ऐसे भर के रख दे रहे थे ऐसे ही आपके प्लास्टिक में ही। प्लास्टिक में रहने से जैसे सबको पता है कि वो बिल्कुल अंदर पानी पानी हो जाता है, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया था कि जितने भी वेजिटेबल्स थे ना उसको सब मैंने पहले पेपर में रैप किया था और फिर प्लास्टिक के अंदर मैंने भर के रख दिया था कि जब भी करूँगी तो आराम से तसल्ली से बैठ के जो है करूँगी। तो आज जो है फाइनली वो टाइम भी मुझे मिल गया है, और अभी जो है मैं एक एक करके जितने भी वेजिटेबल्स, आपने देखा ही कि जितने भी वेजिटेबल थे मेरे फ्रिज में वो मैंने सब निकाल दिया और सारे ही जो है प्लास्टिक के अंदर रखे हुए थे। तो शुक्र है कि ज़्यादा पानी नहीं हुआ क्योंकि मैंने पेपर में रैप करके रखा हुआ था, इस वजह से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर आया था वो सारा जो है पेपर ने अब्सॉर्ब कर लिया था। अब मैं ये गाजर को जो है वो उसको मैं इस तरह से ग्रीट कर लूँगी, इसमें छोटे छोटे जो है टू पीसेस में ये कट जाएंगे ना, तो फिर ये आपका फ्राइड राइस बनाओ या फिर आप उत्तपम बनाओ या फिर आप नूडल्स बनाओ, ये काफ़ी चीज़ों में ही जो है ये आपका यूज़ हो जाता है। या अगर आप चाहें तो उसको आप वेजिटेबल में भी आप डाल सकते हैं। मैं जैसे दाल, मैं मूंग, जो येलो मूंग की दाल होती है ना उसमें भी मैं सब्ज़ी डालती हूँ। तो ये इस तरह से काट लेने से ये हर जगह पे ही जो है यूज़ हो जाता है। गाजर का हलवा भी बनाना हो तो भी आप जो है इस तरीके से काट के जो है आप बना सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब दिल करेगा आप निकालो फिर बना लो। और इसमें मैं वेजिटेबल ऑमलेट बना लेती हूँ, तो बहुत सारे कामों में ही जो है मुझे
हेल्प मिल जाता है। तो इसलिए जब भी मैं गाजर काटती हूँ इसी तरह से मैं लंबे लंबे छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको ग्रेट करके रख देती हूँ। और ये देखिए ये कितने अच्छे से जो है ये बिल्कुल मतलब बारीक अच्छे से जो है कट गए पीसेस। और बाकी के जितने भी गाजर है उन सभी को मैं अभी इसी तरीके से जो है काट के रख लूँगी। बीन्स भी मुझे काटना था पर ये सब काटते काटते जो है वो 9:30 बज गए थे, तो रात के डिनर का टाइम भी हो गया था। और ये देखिए कितने अच्छे से ये कटिंग हो गया ना। अब इन सभी को मैं धो के पानी थोड़ा झड़ने के लिए रख दूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए मैं एक दिन के लिए ही आप मान लीजिए मैं उसको ना पेपर में जो है रैप करके रख लूँगी। बेस्ट होगा टिश्यू पेपर में रैप रैप करके रखना क्योंकि न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग वगैरह के इंक वगैरह रहते हैं, कार्बन रहता है, तो न्यूज़पेपर में रैप ना ही करें। पर मैंने रैप किया था क्योंकि मेरे टिश्यू पेपर जो ख़त्म हो गया है, तो पर ठीक है एक दिन के लिए रखूँगी और फिर उसको अच्छे से जो उसको स्टोर करके रख लूँगी। एक दिन में जितना भी मॉइस्चर रहेगा ना वो सारा जो है वो पेपर न्यूज़पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो उसको मैं अच्छे से पेपर हटा के फिर उसको मैं ड्राई हो जाएगा ना तो फिर वो आराम से वो रह जाएगा। और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को भी जो है मैं काट के बस रफली मैं काटूँगी। मैंने छोटे छोटे शिमला मिर्च थे ना तो मैंने इनको बस 4 टुकड़ों में मैंने काट दिया और बीच का ये जो वाइट पोर्शन है उसको मैं इस तरीके से निकाल लूँगी और बस 4 रफली मैं काट लूँगी। क्योंकि शिमला मिर्च जो है उसको वैसे भी आप पनीर में डालो या फिर आप किसी भी सब्ज़ी में डालो तो वो बड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और बस जो है उत्तपम वगैरह में अगर जैसे डालना हो तो वहाँ पे जो है मुझे थोड़ा बारीक चॉप मुझे करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं अलग से जो है थोड़ा सा मैं शिमला मिर्च जो है मैं बारीक काट लूँगी। पर यहाँ पे जो है मैं अभी इसको रफली काट लूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा निकालूँगी और मुझे अगर बारीक चॉपिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं बारीक चॉप करके रख लूँगी। पर मोस्टली जो है शिमला मिर्च मैं इसी तरीके से जो है काट के रख लेती हूँ इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में, तो वो भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। आप सोयाबीन बनाओ या फिर चिली चिकन बनाओ, चिली पनीर बनाओ, तो आप इस तरीके से अगर बड़े बड़े पीसेस में अगर कटिंग रहे ना तो फिर ये अच्छा लगता है। और ये भी मेरा कट करके हो गया है और थोड़ा सा जो शिमला मिर्च में वो अलग से रख लूँगी उसको जो है मैं बाकी बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो मैं चॉप कर लूँगी और उसको मैं उसके ऋषा के टिफ़िन के लिए मैं रख दूँगी। और गाजर में भी गाजर को तो अलग से काटने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह बारीक चॉप करने से क्या आप उसको सैंडविच वगैरह में भी आप वेजीज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से जो है बारीक बारीक मैंने काट लिया है और इसको मैं अलग करके रख लूँगी। और उस ये धनिया पत्ते को भी जो है वो मैंने नीचे से जो उसके रूट्स का जो पार्ट्स था वो मैंने काट लिया और अंदर से जितने भी येलो और ख़राब जो पत्ते रहते हैं उनको मैं जो निकाल लूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल इसको साफ़ कर रही हूँ। उसको साफ़ करके जो है अच्छे से इसको मैं धो के पानी झड़ने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मेरा ये धनिया पत्ता भी साफ़ हो गया है और शिमला मिर्च मेरी कट गई है और ये थोड़ा सा अलग से मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था। और यहाँ पे ये मेरा गाजर भी जो है कट गया है। अब इन सबको जो है मैं बारी बारी से धो लूँगी, धो के इसको मैं पानी झड़ने के लिए रख लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है ये भी लेके आए थे और ये तो काफ़ी यूज़ भी हो गया है पर इसको साफ़ करना ही नहीं हुआ। जैसे जब जैसे ज़रूरत हुई वैसा यहाँ से निकालती रही और मैंने यूज़ किया। और ये देखिए मैं इस तरीके से जो है अच्छे से इसको 2-3 बार जो है अच्छे से इसको वॉश करूँगी और फिर वॉश करने के बाद जो है इसको बड़ी सी टोकरी में इसको मैं पानी झड़ने के लिए मैं रख लूँगी और उसके बाद जो है न्यूज़पेपर में फैला दूँगी अच्छे से। तो फिर ये जितना भी एक्स्ट्रा जितना भी पानी रहेगा ना वो सारा जो है न्यूज़पेपर वो जो है सोख कर लेगा। अभी इस तरह से कैसे कुछ देर में रखूँगी, तब तक मैं बाकी की जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उनको मैं धो लूँगी और पानी झड़ने के लिए रख दूँगी। ये देखिए ये गाजर शिमला मिर्च इन सबको मैंने पेपर के ऊपर मैंने फैला दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहे वो सारा जो है अब्सॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा से जो है ऊपर से भी मैंने एक पेपर डाल दिया है एक एक्स्ट्रा, ताकि ऊपर में जितने भी गाजर है उनका भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो सोख हो जाए। और मैं इसको ढक के मैं फिर सीधा मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने नीचे ये जो प्लास्टिक का जो बोरा होता है ना जिसमें चावल वगैरह आता है वो बिछाया है, उसके ऊपर एक मोटा सा न्यूज़पेपर बिछाया है और अभी ये उसके ऊपर धनिया पत्ता मैं इस तरीके से फैला दूँगी। और इसके ऊपर से जो है मैं एक और न्यूज़पेपर में रख दूँगी ताकि जो दोनों तरफ से जो है मॉइस्चर सोख हो जाए। और अब मैं चलती हूँ सीधा किचन। यहाँ रात के डिनर के लिए मैंने आलू और गोभी मैंने यहाँ पे कट करके रख लिया है था और ये इसको मैंने
हल्का सा ये सूखी लाल मिर्च और जीरे का मैंने सबसे पहले मैं तेल में डाला था, और फिर उसके बाद जो है आलू और गोभी जो मैंने कट करके रखा था उसको मैंने डाल दिया, और नमक हल्दी के साथ मैंने बस जो है फ्राई कर लिया इसको। आलू गोभी, आलू फूल गोभी भाजा कहते हैं, फूल गोभी यानी कि गोभी, और ये अच्छे इसको अच्छे से जो है इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद जो है इसको जो एक्स्ट्रा, क्योंकि लेट हो गया था ना, 9:30 बज गया था, तो मैंने जो है थोड़ा तेल ज़्यादा दिया था। थोड़ा तेल ज़्यादा देने से क्या होता है, ये जल्दी फ्राई हो जाता है। और इस तरीके से एक्स्ट्रा तेल अगर आपको निकालना हो ना, तो बीच में से इस तरह से ना आप थोड़ा गड्ढा कर लीजिएगा, और चारों तरफ जो है ये फ्राइज़ को आप फैला दीजिएगा, तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना जो एब्जॉर्ब किया था, वो सारा जो है निकल जाएगा, एक जगह बीच में आके वो इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे ये मेरी रोटी भी बन गई है और डिनर मेरा बन गया है, और अब मैं ईशा को तो सबसे पहले मैं दे दूँगी खाना खाने के लिए, क्योंकि अब उसकी खाना खाने का टाइम भी हो गया है, और ये अपना पढ़ाई कर रही थी यहाँ पे, और उधर उसके बाद जो हस्बैंड को दे दिया था मैंने, और अभी मैं मेरे लिए जो है सर्व कर ली। देखिए कितना एक्स्ट्रा तेल जो है वो आ गया है, एक जगह पे इकट्ठा हो गया। और ये मेरा, अब मैं चलती हूँ सीधा डिनर करने के लिए। डिनर करते करते थोड़े से मैं वीडियोस देख लूँगी, और उसके बाद जो है ये मैं कल मॉर्निंग की मैं प्रिपरेशन कर लूँगी ऋषा के लंच के लिए। और यहाँ पे ये देखिए मैंने बारीक बारीक जो है मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया है, गाजर और शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखा था इसको कल मैं लंच में दूंगी उत्तपम, जिसके लिए मैंने ये बारीक बारीक काटा था। हरी मिर्ची अगर आप चाहे तो देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला था, मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची के जगह पे मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया था। तो इसको अभी पानी डाल के जो है सो अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखूँगी, मीडियम रखूँगी, ताकि जो है मुझे बैटर जो है डालने में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मोटा रहेगा तो वो पकने में भी बहुत टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है बैटर मेरा बन गया है, और ये इसमें मैं 2 चम्मच जो है तेल डाल दूँगी, इससे ना बहुत जो है अच्छे से ये उत्तपम जो है मतलब निकल जाता है तवे पे, जो है वो चिपकता नहीं है। और अब मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा ही डालूँगी, ताकि जो है बस उसका फ्लेवर आ जाए, तीखा ना बने। और ये देखिए इस तरीके से मैंने घोल बनाया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ये, और इसको मैं अभी उसको इसी तरह से ढक के मैं अब इसको ओवरनाइट यहीं पे रख दूँगी किचन में, और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी बहुत है तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ में समर में मैं इस तरह से ढक के जो मैं फ्रिज में रख देती थी। और ये देखिए मेरा यहाँ पर ये काम हो गया, बस ये गोभी जो है थोड़ा काट के रखना बाकी है, गोभी को मैं काट के रख दूँगी। और बाकी ये देखिए करते करते रात के 11 बज चुके हैं, और ऋषा यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ये कार्टून देख रही है, और यहाँ पे जो है ये देखिए गोभी भी मेरा कट के हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।